देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। कल 20 नवंबर है और सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में पधारेंगे और इस वक्त हम जनता रोड के एमएस कॉलेज के ये खेल मैदान पर मौजूद है जहां पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित करेंगे और यहां आप तैयारियों का जायजा लेते नजर आ जाएंगे। कुछ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। डीएम समेत एसएसपी विपिन ताडा ने भी कल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और तमाम तैयारियों को देखा था। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कारीगर कहे या कर्मचारी कहे यहाँ पर आपको काम करते नजर आ जाएंगे। थोड़ी इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ यहाँ पर तैयार किया गया। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर ये नीचे बिछा दिया गया है, कालीन जिसे कहते हैं, कालीन बिछाया गया है। और फिलहाल वहां पर आप देखेंगे वहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? जी भूपराम। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? करीब 37 लोग हैं। कौन आ रहे हैं? योगी जी। योगी जी क्या करने आ रहे हैं? घूमने के लिए आ रहे हैं, आप देखने के लिए आ रहे हैं? घूमने के लिए जी। क्या घूमेंगे? अब वो शहर देखने के लिए आए हैं, ये क्या है क्या नहीं है, शहर देखने आ रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जनता रोड पर हम मौजूद हैं। ये फील्ड मैदान है यहाँ का एमएस कॉलेज का और यहाँ पर तमाम ये लोग कार्य करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये क्या लगा रहे हैं भैया, बात करेंगे इधर, क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या लगा रहे हैं आप? ये बैरिकेडिंग लग रही है। तो किस तरह की तैयारियां हैं, कब तक पूरा हो जाएगा? ये आज हो जाएगा रेडिंग। वैसे कौन आ रहे हैं यहाँ? मुख्यमंत्री। क्या करने आ रहे हैं भाई? इस बारे में मुझे नहीं पता, नहीं पता है। करता है। कार्यकर्ता है आप, तो यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। बहुत बड़ा टीन शेड का ये पंडाल बनाया गया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर एक कार्यकर्ता मुझे नजर आया, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग त्यागी। किस तरह की तैयारी सीएम के आगमन को लेकर? तैयारी पूर्ण तरीके से तैयार है, मतलब सीएम के आने से पहले पहले दो रात को 2 बजे तक हमारी सब कुछ तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई भी देरी नहीं है। और हेलीपैड हमारा तैयार हो चुका है और सीएम साहब के प्रोग्राम का आप देख रहे हैं व्यवस्था, 2 बजे तक कम्प्लीट हो जाएगा कार्यक्रम। स्टेज कहाँ पर तैयार की गई? स्टेज यहाँ पर तैयार की गई है सीएम साहब का। ये वीआईपी दायरा है, ये पब्लिक के लिए है और वीआईपी लोग यहाँ पर रहेंगे, विधायक मान्यगण और उससे बाद में पब्लिक रहेगी। तो इससे पहले भी कभी साफ सफाई हुई है इस मैदान में? हाँ नहीं भाई, स्कूल वालों का ग्राउंड है, वो अपनी साफ सफाई करते रहते हैं लेकिन सीएम साहब के आने पर कुछ स्पेशल साफ सफाई है। तो फिलहाल आप देखेंगे वहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टेज लगनी शुरू हो गई है जो कि रात 2 बजे तक यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी। यहाँ पर कालीन बिछने शुरू हो चुके हैं। ये वीआईपी का जो एरिया है इस वक्त हम वहीं पर मौजूद है, ये वीआईपी का एरिया रहेगा, उसके बाद वहां पर जनसभा बैठेगी, जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। पूरी तरह से ये जो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा ये मैदान है, एमएस कॉलेज का ये फील्ड है जहां पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं और तमाम यहां पर जितने भी कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे वो सभी कुछ ना कुछ कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ के जो बाहर लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कल बीते दिन यहीं पे डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। तो कुछ दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर सीएम योगी आ रहे हैं, इससे पहले कभी साफ सफाई हुई है, सिर्फ उन्हीं के आने पर ये सब हो रहा है? देखिए ये तो एक जब कोई भी नेता या बड़ा मंत्री आता है उस टाइम का बाकी रूटीन से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। रूटीन में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, रूटीन में भी यहाँ अच्छी साफ सफाई रहती है, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री जी या अमित शाह जी भी आए हैं पहले, जब उनका आना होता है तो ज़्यादा युद्ध स्तर पर काम चलता है, ये तो स्वाभाविक है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो वो उस चीज़ को फर्क रहता है उसमें। वैसे रेगुलर बेसिस पे होती है? रेगुलर पे भी होती है, रेगुलर में। आप यही रहने वाले हैं जी? तो किस तरह की व्यवस्था है आपको देखने को मिल रही है? पहले सफाई होती थी इस तरह से? हाँ सफाई हमेशा होती थी लेकिन अब व्यवस्था और ज्यादा अच्छी है। तो रातों रात ये गड्ढे भर दिए गए और ये 6000 ईंटें लगा दी गई? ये बहुत अच्छा काम हुआ, अभी इसमें पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये बहुत अच्छा काम हुआ। क्यों नहीं हुआ अब? ये तो सरकार जाना, प्रशासन
लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही है बिल्कुल। सब चीजें होती हैं, माइनस प्लस तो सब जगह ही होते हैं जी। अब ये इस चीज का फर्क तो आप अपने आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, इसके बारे में तो क्या कहें। यही रहते हैं आप, बाहर रहते हैं आप, यही रहते जी हाँ। तो यहाँ पर ये साफ सफाई रोजाना होती है क्या? कितने कर्मचारी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो अक्सर आगमन करते रहे सहारनपुर में, तो हमें सुख सुविधा मिलती रहेगी। अंकल क्या कहेंगे, ये पहले भी होता था साफ सफाई, ये अभी चल रही है? नहीं, होती रहती है जी, सफाई होती रहती है। इससे पहले हुई कभी? हाँ जी, अच्छा। होती रहती है, लेकिन ये ज्यादा ये ग्राउंड इससे पहले भी कभी साफ हुआ? जी, कोई प्रोग्राम होता है VIP जब भी साफ होता है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं, ये भी रात ही रात में तैयार की गई नाले की दीवार। नाले की दीवार, तो मैंने सुना कि यहाँ पे हम सर्वे करने आए थे, रात को 3 बजे तक काम चला। काम तो जब हो तो इनकी मजबूरी है करना, अच्छा। आगे जवाब भी देना पर, लेकिन ये सबसे बड़ा मकान का नुकसान किया इन्होंने। क्या किया? ये सामने वाला मतलब नाले से पीछे की जो दीवार है वो पूरी मकान में त्रेड़ आ गई, और वहाँ लेडीज के साथ भी बदतमीजी की गई। तो यहाँ और भी लोग आपको दिखेंगे, क्या नाम है भैया? कुछ लोग बात नहीं करना चाहते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। तो जो साफ सफाई चल रही है, इतने कर्मचारी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अंकल पहले भी है कुछ? पहले भी है जी, पहले भी है साफ, हाँ सब साफ पूरा था। यहाँ पे तो बच्चे खेलते थे फील्ड है, अच्छा फील्ड है, ये खेलते हैं यहाँ पे जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा जिला संगठन मंत्री हूँ यहाँ से। ये नगर निगम का इतना बुरा हाल है कि हफ्ते में खाली 4 दिन यहाँ गाड़ी आती है, और रसीद काटने के लिए हर टाइम यहाँ नगर निगम के तैयार रहते हैं, पर लेकिन कूड़ा नहीं उठता है। 4-4 दिन का दुकान के आगे कूड़ा पड़ा रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसलिए सफाई हो रही जी? पहले नहीं होती जी, खाली दिखावा। को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम किए? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, और जैसा हम प्रोग्राम स्थल पर खड़े हैं, यहां पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। शेड लग रहा है, और शेड लग के लगभग आधा तैयार हो गया, बाकी डी है, बैरिकेटिंग है, जो एनक्लोजर्स हैं वो सब बनाए जा रहे हैं, मंच बनाया जा रहा है, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी यहाँ पर की गई है। बाकी जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है, और पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। रूट डाइवर्जन को लेकर किस तरह के इंतजाम? देखिए, रूट डाइवर्जन होगा, क्योंकि इस रोड पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, और हेलीपैड जो जनता रोड है इस पे यहाँ से कुछ किलोमीटर्स पर वहाँ पर बनाया गया है, तो उस जगह पर रूट डाइवर्ट रहेगा, और काफ़ी करीब 10,000 लोगों का यहाँ आने का प्रोग्राम है, उनके आगमन के हिसाब से भी जो रूट का प्रॉपर डाइवर्जन है वो किया जाएगा, और आज का इंटीमेशन बाकायदा अखबार में दिया जाएगा। युवा से बातचीत करेंगे, ये जो खेल मैदान है, क्या बच्चे खेलते हैं रोजाना यहाँ पर? यहाँ पे खेल लेते हैं। अच्छा, तो साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? ये इतने कर्मचारी मैंने देखे, तो कौन आ रहे हैं यहाँ पे? योगी साहब आ रहे हैं, तो इसीलिए सफाई हो रही है? हाँ जी। इससे पहले हुई सफाई नहीं है? नहीं होती। प्रशासन वाले नहीं आते सफाई करने? प्रशासन वाले तो कभी कभार आ जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पे, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पे तमाम कर्मचारी थे जो यहाँ पर कार्य करते नजर आ जाएंगे आपको, जो टीन शेड का मैंने आपको बड़ा सा फील्ड दिखाया, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल शिरकत करेंगे, निकाय चुनाव को लेकर यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिलहाल के आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर रोजाना के बेसिस पर जो साफ सफाई है वो नहीं होती है, कुछ अधिकारी आ जाते हैं या सुबह के अधिकारी कहे तो साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती है। रातों रात यहाँ पर नगर निगम ने जो नाले की दीवार है उसे भर दिया, रातों रात कार्य हुआ। फिलहाल आप देख रहे हैं सिटी वैब, अभी के लिए यहीं पे एंडिंग करेंगे, एक बार फिर जुड़ेंगे नई वीडियो के साथ।